हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज पढ़ेंगे फुल ब्रिज इन्वर्टर। इससे पहले हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर चैप्टर में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि इन्वर्टर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक था ब्रिज इन्वर्टर एंड सेकेंड इज सीरीज इन्वर्टर। एंड थर्ड वन इज पैरेलल इन्वर्टर। क्लियर? इसमें से हमने ब्रिज इन्वर्टर का दो पार्ट किया था। एक था हाफ ब्रिज इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड सेकेंड वन इज फुल ब्रिज इन्वर्टर। फुल ब्रिज इन्वर्टर, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था, कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से था। हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ब्रिज इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर एंड पैरेलल इन्वर्टर। इसमें से हम ब्रिज इन्वर्टर पढ़ रहे थे। हाफ ब्रिज इन्वर्टर हमने स्टडी कर लिया था, अब हमें स्टडी करना है फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर में आपने क्या स्टडी किया था? हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हमने देखा था कि हमें 3 DC वायर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। डीसी हाफ ब्रिज में आपने क्या किया देखा था, 3 वायर डीसी सप्लाई। क्लियर? जब हमने हाफ का देखा था तो आप देख सकते हो हम सप्लाई वोल्टेज को क्या किए थे, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट किया था, दिस इज द लोड एंड T1, T2, this is thyristor and this is diode। एंड यहाँ पे हमने सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड किया था, Vs by 2। ये आपका लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करेंट, ठीक है? तो आप देख सकते हो जब हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर स्टडी किया था तो हमने क्या देखा था, हमें 3 वायर DC सप्लाई की जरूरत पड़ती है। देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने सप्लाई को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये आपका फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द सेकेंड पोर्शन एंड दिस इज द थर्ड पोर्शन। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ी है, 3 वायर DC सप्लाई की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमने 2 थायरिस्टर और 2 डायोड यूज किया था। क्लियर? तो इसका एडवांटेज क्या, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया हाफ ब्रिज इन्वर्टर का कि हमें यहाँ पे 3 वायर DC सप्लाई की जरूरत पड़ती है। कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर का डिसएडवांटेज हुआ, लेकिन यहाँ पे फुल ब्रिज इन्वर्टर में हम क्या कर रहे हैं, फुल VS सप्लाई यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओवरकम हो जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, जब हमने वेवफॉर्म स्टडी किया था हाफ ब्रिज इन्वर्टर का तो हमने देखा था हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था, ये आपका आउटपुट, दिस इज Vs by 2 एंड दिस इज -Vs by 2। ये किस केस में था, हाफ ब्रिज के केस में था। ये किस केस में था, हाफ ब्रिज के केस में था। हमें हाफ आउटपुट मिलता था Vs by 2 एंड दिस इज -Vs by 2। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फुल ब्रिज में कि हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है, जस्ट हाफ ब्रिज का डबल। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या मिला है, Vs। तो ये किसका आउटपुट है, फुल ब्रिज इन्वर्टर का। तो इसका वर्किंग सेम है जैसा कि अभी तक हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते आए हैं, आपने हाफ ब्रिज में पढ़ा है, सेम वर्किंग है।
फुल ब्रिज इन्वर्टर में हमने क्या यूज किया है, फोर थायरिस्टर यूज किया है, T1, T2, T3, T4, क्लियर, एंड फोर डायोड यूज किया है, T1, D2, T3 एंड D4। यहाँ पे जस्ट डबल है, हाफ ब्रिज में हमने दो थायरिस्टर यूज किया था, फुल ब्रिज में हमने फोर थायरिस्टर यूज किया है, एंड यहाँ पे हमने दो डायोड यूज किया था और फुल ब्रिज में हमने फोर डायोड यूज किया है। तो यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, जो भी हमने हाफ ब्रिज में यूज किया था थायरिस्टर एंड डायोड्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल नंबर्स में यूज कर रहे हैं। और क्या डिफरेंस है आपको देख सकते हो, यहाँ पे हमें 3 वायर DC सप्लाई की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम एक सप्लाई दे रहे हैं, एक DC सप्लाई दे रहे हैं VS। अब इन्वर्टर क्या करता है आपको पता है, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कौन सा डिवाइस यूज किया है, थायरिस्टर यूज किया है, थायरिस्टर यूज किया है, एनोड, कैथोड एंड गेट। तो आपको पता है कि थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होने के बाद भी कंडक्शन स्टेट में नहीं आता जब तक कि हम उसको उसके गेट टर्मिनल को गेट पल्स सप्लाई ना दे दें, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसके गेट टर्मिनल को गेट पल्स प्रोवाइड करूंगी तो क्या होगा, थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो चलिए अब इसका हम वर्किंग समझते हैं। ये जो वेव फॉर्म दिखाया गया है आपको वो किसका है, फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर। IG1, IG2 ये किसके लिए गेट पल्स शो कर रहा है, थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2 उसके लिए गेट पल्स शो कर रहा है। IG3 एंड IG4 ये क्या शो कर रहा है, थायरिस्टर T3 एंड थायरिस्टर T4 के लिए गेट पल्स शो कर रहा है। थायरिस्टर क्या होता है, हम यहाँ पे कौन सा कम्यूटेशन यूज कर रहे हैं, कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाना क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। तो इन्वर्टर में हम कौन सा कम्यूटेशन यूज करते हैं, जैसे कि हमने सीरीज इन्वर्टर पढ़ा था, तो सीरीज इन्वर्टर में हमने लोड कम्यूटेशन यूज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा कम्यूटेशन यूज करेंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन। और फोर्स्ड कम्यूटेशन में आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो उनमें से कोई भी एक कम्यूटेशन का यूज करके हम अपने कंडक्टिंग थायरिस्टर को नॉन कंडक्टिंग स्टेट में लाएंगे। तो ये तो बात था किसका, कम्यूटेशन सर्किट का। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि थायरिस्टर तब तक ही कंडक्शन स्टेट में है जब तक कि हम उसको गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना गेट पल्स का मैग्नीट्यूड रहेगा, जितने टाइम तक गेट पल्स प्रेजेंट रहेगा, उतने टाइम तक ही क्या होगा, थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में है। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम में ना आपको ट्रिगरिंग सर्किट दिखाया है और ना ही कम्यूटेशन सर्किट दिखाया है। ये अंडरस्टैंड है कि अगर हम थायरिस्टर लगाए हैं तो थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को, मतलब थायरिस्टर को कंडक्शन स्टेट में लाने के लिए हम गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करेंगे, उसके लिए अलग से सर्किट यूज करेंगे। अब आपको अगर यहाँ पे लाइन कम्यूटेशन नहीं है, नेचुरल कम्यूटेशन नहीं है, तो आपको कम्यूटेशन सर्किट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लिसिटी के लिए ना तो आपको इस सर्किट डायग्राम में गेट ट्रिगरिंग सर्किट दिखाया गया है, ना ही कम्यूटेशन सर्किट दिखाया गया, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, जब हम थायरिस्टर T1 और T2 को क्या करते हैं, गेट पल्स देते हैं एट पॉइंट जीरो, ये आपका जीरो लाइन है, ठीक है, जीरो टाइम है, जीरो T/2, T 3/2 एंड 2T। इससे पहले आपने देखा था 0π, 2π, 3π, ये देखा था, लेकिन वो किस केस में था, AC। लेकिन यहाँ तो हम इन्वर्टर बना रहे हैं, इन्वर्टर क्या करेगा, DC को AC में कन्वर्ट करेगा। तो DC है मतलब हम क्या दे रहे हैं, एक कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं, DC है। तो यहाँ का हमने टाइम डिवीजन कैसे किया है, 0 T/2 एंड T। तो एक कंप्लीट साइकिल क्या हुआ, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज द निगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या है, DC है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोल सकते। अगर हम टोटल टाइम पीरियड देखेंगे तो ये ऑन है और यहाँ पे ऑफ है, तो T/2 T। अगर हमने
के पल्स प्रोवाइड करें। थायरिस्टर T1 और T2 को आप जैसे ही गेट पल्स प्रोवाइड करोगे, T1 और T2 किस स्टेट में आएंगे? कंडक्शन स्टेट में आएंगे। एनोड टू कैथोड कंडक्शन होगा। आपको लोड के अक्रॉस क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड। यहाँ पे लोड किस टाइप का है? रेजिस्टिव लोड। क्लियर? यहाँ पे लोड किस टाइप का है आपका? रेजिस्टिव लोड। अगर आप कंडक्शन देखोगे तो कैसे होगा? Vs प्लस से स्टार्ट होगा, T1 लोड एंड T2 एंड दिस इज द रिटर्न पाथ फॉर T1 एंड T2 थायरिस्टर। तो हमें क्या मिलेगा? लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल रहेगा? सप्लाई वोल्टेज Vs। इस पीरियड में 0 से T/2 पीरियड में कौन कंडक्शन स्टेट में है? T1 एंड T2। अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि जब तक गेट पल्स प्रेजेंट रहेगा तब तक ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। मीन्स T1 T2 क्या होंगे? कंडक्शन स्टेट में होंगे। तो यहाँ पे गेट पल्स कहाँ पे रिमूव हो रहा है? T/2 में रिमूव हो रहा है। और थायरिस्टर T1 T2 के लिए गेट पल्स क्या हो गया यहाँ पे? 0। T/2 से T तक थायरिस्टर T1 T2 के लिए हमारा जो गेट पल्स है वो क्या हो गया है यहाँ पे? 0 हो गया। क्लियर? लेकिन थायरिस्टर T3 एंड T4 को एट टाइम T/2 एंड T के बीच में मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ? गेट पल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसे गेट पल्स प्रोवाइड करूंगी थायरिस्टर T3 एंड T4 को, तो थायरिस्टर T3 एंड T4 क्या होगा? कंडक्शन स्टेट में आएगा। कंडक्शन स्टेट में आएगा तो देखिए आपका कंडक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है। T3 से स्टार्ट हुआ, T4 में जाएगा, T3 से स्टार्ट हुआ, लोड में जाएगा एंड T4 से क्या होगा? रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपोजिट है। हमने डायरेक्शन इसमें ऐसे अज्यूम किया लेकिन एक्चुअल में कैसे फ्लो हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या बनाएगा आपका? निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या बना? निगेटिव हाफ साइकिल। ये निगेटिव हाफ साइकिल किसके कारण बना है? थायरिस्टर T3 एंड T4 के कारण निगेटिव हाफ साइकिल बना है। एट पॉइंट T गेट पल्स इज रिमूव फ्रॉम T3 एंड T4। एट पॉइंट T पे गेट पल्स रिमूव हो गया है थायरिस्टर T3 एंड T4 से। एंड एट पॉइंट T अगेन वे अप्लाई गेट पल्स फॉर थायरिस्टर T1 एंड T2। एट पॉइंट T पे हम फिर से क्या कर रहे हैं? गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। T से 3T/2 तक अगेन T1 T2 कंडक्शन स्टेट में रहेगा एंड 3T/2 टू T में फिर से T3 T4 रहेगा। तो आप ये जो वेवफॉर्म है वो किसका है? फुल ब्रिज इन्वर्टर का एंड दिस इज फॉर हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो आप देख सकते हो यहाँ हमें आउटपुट में Vs/2 मिलता था लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला है? जस्ट डबल Vs। तो ये आपका सेम वर्किंग था फुल ब्रिज इन्वर्टर का। ऑलरेडी आपने अब स्टडी कर लिया है ब्रिज हाफ इन्वर्टर, तो आपको ये इजली अब समझ में आता होगा कि थायरिस्टर कैसे वर्क करता है। और ये किसके लिए? थायरिस्टर डायोड D1 D2 D3 T4, इसे हम बोलते हैं फीडबैक डायोड्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फीडबैक डायोड्स। रेजिस्टेंस, अगर लोड आपका रेजिस्टिव है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर अदर देन रजिस्टिव लोड जैसे इंडक्टिव लोड है तो उस केस में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेस में नहीं होते हैं। तो D1, D2, D3, D4 क्या वर्क करता है? जब आपका मेन थायरिस्टर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है तो उस टाइम पे हमें जो करंट मिलता है वो किसके कारण मिलता है? ये डायोड्स के कारण मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक डायोड्स बोलते हैं। तो ये डायोड्स का मेन एप्लीकेशन आपको अदर देन रेजिस्टिव लोड में देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर मेन थायरिस्टर हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे हमें जो करेंट है वो किसके थ्रू मिलता है? ये डायोड के थ्रू मिलता है। क्लियर? तो ये था आपका फुल ब्रिज इन्वर्टर।